आज हम बनाएंगे आटे के दिए। हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। बहुत आसान है, बेहद आसानी से ये घर पे बन जाता है आटे के दिए। आधा ग्लास पानी ले लेना है। उस पानी में हम डालेंगे येलो कलर। कलर को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये येलो कलर की दिया बनाने के लिए पानी जो है तैयार हो गया है। अब हमें आटा ले लेना है। कटोरे में डालेंगे आधी कटोरी गेहूं का आटा। आटे में डालेंगे एक टेबल स्पून तेल। तेल डाल के अच्छे से मोयन जो है तैयार कर लेना है। जितना अच्छे से मोयन तैयार हो जाएगा उतना ही बेहतरीन आपकी दिया जो है बनेगी। अब तैयार किया हुआ पानी लेके और अच्छे से आटे को टाइट हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हमें गूंथना है। सख्त टाइट आटा हमें गूंथ के तैयार कर लेना है। आटे को गूंथ के हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम साइड में हटा देते हैं। अब जो हमें फिर से वापस उसी कटोरी में आधा कटोरी गेहूं का आटा ले लेना है। आटे में हम डालेंगे एक टेबल स्पून तेल। तेल डाल के अच्छे से मोयन जो है तैयार कर लेना है मसल मसल के आटे में। उसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। हमने ये ग्रीन कलर जो है डाल के तैयार कर लिया है। अब पानी को डाल के हम थोड़ा थोड़ा गूंथ के तैयार कर लेंगे। आटा जो है अच्छे से टाइट हमें गूंथना है। नरम अगर पड़ गया तो फिर दिक्कत होगी, हम लोग दिया बनाएंगे तो दिया जो है फैल जाएगी। इसलिए मसल मसल के और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को हमें सख्त गूंथ के तैयार कर लेना है। आटे को गूंथ के हमने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। अब दूसरा आटा भी हम ले लेते हैं। ये देखिए, हमने दोनों आटों को तैयार कर दिया है गूंथ के। और इसमें से लोइयां जो है हम तोड़ लेंगे। तीन हम हिस्से में करेंगे। देखिए, हमने तीन हिस्से में कर दिया। उस दूसरे आटे को भी लेके ऐसे इसे भी हमें तीन हिस्से में तोड़ लेना है लोइयां। आटे को हमने तोड़ लिया है। अब एक लोई उठाएंगे, हाथों में गोल घुमाते हुए हमें दिए को बनाना है। देखिए, इस दिवाली ऐसे आप दिए बना के और पैसे बचाइए। गोल करते हुए कटोरी के जैसे हमें ऐसे गोल करते जाना है। देखिए, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, हल्का सा और गहरा करके अब साइड से हमें इसे दिए को बनाते जाना है। देखिए, हमने गोल गहरा कर लिया। अब हमें ले लेना है थाली। थाली में रखेंगे और बीच से थोड़ा थोड़ा इसे हमें दबा लेना है। देखिए, हल्का हल्का सा गोल ऐसे हम घुमाते हुए इसे हम तैयार कर लेंगे। गहरा रहेगा और तेल डालने पे तेल जो है बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अच्छे से इसे हमें गहरा कर लेना है। हाथों में उठा के और ऐसे हम अंगूठे से इसे दबाते जाएंगे। देखिए, ऐसे हमें घुमाते हुए दबाते जाना है। चारों तरफ हमें दिए को ऐसे कर लेना है। बहुत ही सुंदर दिए जो है बनके तैयार होती हैं, देख सकते हैं। ऐसे हमें दबाते जाना है। तैयार हो गया। अब हमें ले लेना है कैंची और कैंची से हम इसे काटते जाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब कैंची से हमें काट लेना है। देखिए, जहाँ जहाँ से हमने उसे दबाया, बीच बीच में थोड़ा गैप है, वहाँ वहाँ हमें कट लगाना है। ऐसे हम इसे कट लगाते जाएंगे। देखिए, ये जो सारी ऐसे ही घुमाते हुए दिए को हम कट लगा लेंगे। दिए को हमने काट के तैयार कर लिया है, आप पास से देख सकते हैं। अब दिए को हम बनाना शुरू करेंगे। दोनों साइड कोने पकड़ के ऐसे हम उंगली से दबाते जाएंगे। सारे जितने जगह हमने कट लगाया है ऐसे हम घुमाते हुए दोनों किनारे पकड़ के ऐसे दबाते जाएंगे। देखिए, आटे के कितने सुंदर दिए जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। ऐसे हम दिए को बना लेते हैं। एक दिया हमने बना के तैयार कर लिया है, पास से आप देख सकते हैं। अब हमें थाली में रखना है। बीच में ऐसे हमें उंगली से दबाते हुए इसे गोल कर लेना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बीच में जब हम तेल डालेंगे तो बाहर ना निकले। दिया बनाते समय थोड़ा सा फैल गया है, इसलिए ऐसे हमें इसे गहरा कर लेना है। देखिए, दिए जो हैं बन चुके हैं। सारे दिए ऐसे बना के तैयार कर लेते हैं। सारे दिए हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हमें रुई लेके रुई की बाती जो है हमें बना लेनी है।
रुई की बाती बनाएंगे। देखिए अब हमें हाथों से ऐसे उंगली लगा के दोनों साइड लंबे में खींच लेना है, बीच में अंगूठा रख के और ऊपर हमें ऐसे रुई को मोड़ लेना है। देखिए एक ही साइड हमें इसे घुमाना है, तभी बाती जो है खड़ी बाती अच्छे से बन के तैयार होगी। देखिए ऐसे हमें करके और बाती बना के रख लेना है दिए में। नीचे थोड़ा सा फैला लिया जाता है कि जब भी हम दिए में रखें तो ये गिरे ना। दिए में बाती रख के ऐसे ही सारे दियों में बाती बना के हम तैयार कर लेंगे। सारे दिए में हमने बाती जो है बना के रख लिया है। अब इसमें डालेंगे हम तिल का तेल। ज़रूरत के अनुसार हमें सारे दियों में तिल का तेल जो है डाल देना है। सारे दिए में हमने तेल जो है डाल दिया है। अब हम दिए को जला लेते हैं। हम एक एक करके हम सारे दिए जला लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे फटाफट दिए जो है जलना शुरू हो जा रहा है। ऐसे हम सारे दिए को जला लेंगे। सारे दिए हमने जला लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिए जो हैं जल रहे हैं। ऐसे अब दिवाली पे आटे के दिए बनाइए और जलाइए।